बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप तक हम शेयर करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी न्यूज़ मिल सके। तो पहले हम बात करेंगे जो कोविड केसेस जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, मैंने 2 दिन पहले ही अपने फ्रेंड की एक वीडियो डाली थी जिनमें उनके आइडियो मैंने शेयर की थी। वो कोविड पॉजिटिव हो गए सेकेंड डोज लगाने के बावजूद। उनकी सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन का टाइम मैंने वहाँ दिखाया था आपको, 6 मंथ के करीब हो गए, उसके बावजूद वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद कोविड पॉजिटिव होने के बाद यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह में आपको नहीं रखा जा रहा है, आपको अपने होम क्वारंटाइन करें, जो दवाई है वगैरह है आप वहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो कोविड केसेज आ रहे हैं वो है रियाद, जद्दा, मक्का एंड मदीना के अंदर, जो टॉप केसेज टॉप लिस्ट में ये आ रहे हैं। तो अगर आप भी इन 4 सिटियों के अंदर हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखें, क्योंकि कोविड जो इस बार जो ओमिक्रॉन आया है, ओमिक्रॉन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसके बाद ये ख़तरनाक तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पर इसके अंदर जो केसेस हैं वो जो वैक्सीनेटेड हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट कीजिए और कोविड से बचने के लिए बूस्टर डोज ज़रूर लगाइए। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी बात करेंगे मुखालफे के ऊपर, मास्क मुखालफे के ऊपर। जैसे जैसे कि आप लोगों को पता है सऊदी अरब में मास्क तो ख़त्म कर दिया गया था, उसके बावजूद फिर मास्क को लाजमी कर दिया गया। जो मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं डेली बेसिक पे, मेरे पास 2-3 रहते हैं कि भाई मेरा मास्क का ग्रामा है, और सबसे ज़्यादा मास्क ग्रामा जो मारा जा रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रामा जो मारा जा रहा है वो है मस्जिद नबी में, यानी हरम शरीफ के अंदर मदीना में सबसे ज़्यादा मास्क बखल पर मारा जा रहा है। उसके बाद जद्दा, उसके बाद आपको रियाद, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा मारा, पर सबसे ज़्यादा जो मारा जा रहा है मास्क बखल पर, जबकि लोग मास्क पहने हुए भी हैं, फुल्ली मास्क में है, मास्क की कैटेगरी को भी लोगों ने चेंज कर दिया है, अब कई कैटेगरी इसमें बना दी है। एक तो पहले मास्क था ऊपर रहता था, मास्क थोड़ा सा नाक के नीचे है, होंठ के ऊपर है, तो भी मुखालफा ले लीजिए आप, फुल मास्क है तो भी मार दिया, अब किस लिए मारा। तो ये है कि मास्क आपका थोड़ा पुराना है और ये लूज़ है, तो मास्क मुखालफे से बच के रहना। अगर 1000 रियाल पे करना है तो बहुत ही आसानी से आप घूमे टहलें, और अगर 1000 रियाल आपको लगता है कि आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए आप एक मास सिटी में जब कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो ही जाएं, फालतू घूमने टहलने ना जाएं, और जब जाएं तो जाता है जिसके अंदर 50 पीस होते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा मास्क पहन के हमेशा कंटिन्यूस सिटी उटी में जाएँ, और कपड़े का मास्क बिल्कुल मत नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो भी बैन हो गया सऊदी अरब में, उसको भी नहीं पहन सकते कपड़े के मास्क को भी। तो मास्क मुखालफे से बचना है, तो जिस तरह सऊदी में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए, और स्पेशली 1000 रियाल से बचने के लिए। अगर आप पे भी मास्क का ग्रामा गिरता है, अगर आपको भी पुलिस पकड़ के मास्क का मुखालफा देती है, मैंने उस वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ बनाई है कि मास्क मुखालफा किस तरह माफ़ कराएं, उसके अपशर के अंदर जाने के बाद उसके अंदर प्रोसीजर होते हैं, इंशाल्लाह वो आप जाइएगा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर कहीं कन्फ्यूजिंग होगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा नीचे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूँ, नहीं कोई बड़ा सवाल कोई आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो भी बेहतर से बेहतर हेल्प होगी किया जाएगा। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।